Baky Fire Temple, Baku City से 16 किलोमीटर्स है. बस नंबर 191 आपको यहाँ पर आठ रुपए में 191 बस नंबर बाकू सिटी से यहाँ तक. और अभी भी मैं उसी बस का वेट कर रहा हूँ. अभी जाऊँगा मैं सिटी सेंटर में. और अगर आप गूगल मैप चेक करोगे तो आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने रुपए लगेंगे, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा. जैसे सबसे पहली ऑप्शन आ रही है 113 बस पकड़ के मुझे मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, उसमें मुझे लगेंगे 0.40 मन्नत. फिर अलग ऑप्शन है कि 184 बस पकड़ के मेट्रो. फिर काफ़ी ऑप्शन आ रखी हैं. ये गूगल आजकल आपको हर इन्फॉर्मेशन देने लग गया है. ज़्यादा वेबसाइट का आपको चक्कर काटना ही नहीं पड़ेगा. आप अपनी लोकेशन डालो और जहाँ पर आपको जाना वो डालो. फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारी ऑप्शन दिखा देगा कि कहाँ से आपको कौन सी बस मिल जाएगी, आपको कितना फेयर लगेगा. कामास रशियन कंपनी का ट्रक. आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि अजरबैजान की इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. ऑयल एंड नेचुरल गैस. यहाँ पर बाकी चीज़ें भी होती हैं. जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी अच्छी है लेकिन नेचुरल गैस और ऑयल के भी काफ़ी भंडार हैं इनके पास. एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई बस. अजान फॉर 16 किलोमीटर्स 8 रुपये. और अब मुझे ऐसे मेट्रो पकड़ के जो ओल्ड सिटी पड़ती है वहाँ जाना है. लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं. हेलो डोनिया मन्नत, लवाश लवाश छोरे ब्रेड ओनली. यहाँ का सबसे कॉमन फास्ट फूड डोनिया एक्चुअली टर्किश है. लेकिन अजरबैजान में आपको टर्किश कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलेगा. टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं और टर्किश खाना और साथ में जो सोवियत कल्चर है वो भी मिलेगा आपको. तो एक अलग टाइप का फ्यूजन है अजरबैजान में. आयरन नो आयरन यहाँ पर छाछ को बोलते हैं. दुख थिंक सो अच्छा नहीं था. हाँ पता है मुझे, पिछले एक हफ्ते से डोनियर खा रहा हूँ तो क्वालिटी का पता लग गया कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड सिटी ओल्ड बाकू में. मेट्रो के अंदर भी वही सिस्टम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फेयर 8 रुपये. इतना बड़ा एस्केलेटर मैंने अब तक नहीं देखा था. कश्मीरी गेट वाले 3 एस्केलेटर आ जाए हैं इसमें. बाकी ओल्ड सिटी में पहुंच गए. और आन्या मुझे बता रही थी जो मॉस्को मेट्रो है उसके अंदर इससे भी बड़ा एस्केलेटर है. क्या नीचे पूरी दुनिया बसानी है क्या इतना नीचे ले जाके? अभी तक चल रहा है.
ओल्ड बाकू एकदम अपनी मुंबई जैसा दिखता है. मुंबई मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि मुंबई जैसा सेम है, लेकिन जैसी मुंबई में पुरानी बिल्डिंग्स है ना, जो ब्रिटिशर्स के स्टाइल की, यूरोपियन स्टाइल, तो वैसा सही दिख रहा है. आपको अजरबैजान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. आप सबको पता होगा इट्स एन इस्लामिक कंट्री. यहाँ पर 97% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं. लेकिन ये मेरा अब तक का सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस है किसी भी मुस्लिम कंट्री में. मैं जजमेंटल भी हो रहा हूँ और थोड़ा वो जजमेंटल भी नहीं हो रहा. अगर कोई कंट्री 97% इस्लामिक कंट्री है तो आपके दिमाग में क्या थोड़ा आएगा कि थोड़े कंजर्वेटिव होंगे और मतलब कि काफ़ी लोग आपको बुरका या फिर हिजाब में मिलेंगे. लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है. अब आप तो एकदम नेबर कंट्री उसका एग्जांपल ले लीजिए, ईरान. ईरान में लोग मेंटली काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉ उनको हिजाब करना पड़ता है और बुरका वो सब. लेकिन आप जैसे ही अजरबैजान में आते हो आपको ईजिली अल्कोहल मिल जाएगी. आपको रोड के ऊपर अल्कोहल, बियर ऐसे ही लोग पीते हुए मिल जाएंगे. यहाँ पर आपको गर्ल्स शॉर्ट्स पहने हुए मिल जाएंगी. एक फ्यूजन हो रखा है यहाँ पर. और यहाँ का आर्किटेक्ट बाकी अच्छी सिटी है यार. बाकी अजरबैजान में मेरे को इतने मज़े नहीं आए, लेकिन बाकू इज़ रियली गुड. और जो फायर टेम्पल था उसको देख के अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा. ये जो तीन बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, फ्लेम टावर्स, थोड़े ऊपर पड़ जाते हैं शाम को और ज़्यादा अच्छे लगेंगे. ये वहाँ भी जाऊँगा मैं. वो फिर उधर रेडियो टावर हो गया एंड सामने है कैस्पियन सी. काश अपने मुंबई में भी इतना साफ पानी हुआ था. लेकिन नहीं है. लेकिन उम्मीद है कभी तो ऐसा होगा. कैस्पियन सी इन बाकू मरीन ड्राइव वाली आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ मिसिंग भी है और कुछ चीज़ अच्छी भी है. मिसिंग अपने लोग, अपने लोग भी हैं यहाँ पर. और अच्छी चीज़ ये है कि साफ़ है, मरीन ड्राइव से साफ़ है. अब कुछ लोग कहेंगे नहीं तू ऐसा है वैसा है. यार असलियत मुझे पता नहीं है, अगर हम असलियत से भागेंगे ना तो हम उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे. और चेस खेलना चाहते हो आप? मेरे पापा हरियाणवी में एक डायलॉग मारते हैं, धक्के खाने तो अकल आएगा रहा, बादाम खाने तो को नहीं आवे. मीन्स कि धक्के खाने से आपका दिमाग मैच्योर होगा, बादाम खाने से नहीं. धक्के अब कैसे, धक्के समझ गए होगे ना, वो वाले धक्के नहीं, मतलब कि हार्डशिप. जो लाइफ के अंदर हार्डशिप होंगी वही आपको प्रिपेयर करेंगी. बादाम खाने से आपको अकल नहीं आएगी. तो रिपीट करो, बादाम खाने तो अकल को नहीं आवे, धक्के खाने तो अकल आओगी. समझे अकौन, समझे, समझ जाओगे. ओह मैन, द फ्लेम टावर, द फ्लेम टावर्स ऑफ बाकू.
never been to Europe, but it feels like I'm in Europe. Please correct me if I'm wrong. नहीं देखा यार मैंने अभी तक यूरोप, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही होगा। और एक बात, और बाकू के बारे में हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैंने जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल एकदम लो रखी थी, क्योंकि अज़रबैजान ने मेरे को सरप्राइज़ नहीं किया, एकदम नॉर्मल, मेरे कुछ अलग फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी अलग कंट्री में आया हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं हरियाणा पंजाब में घूम रहा हूँ, लेकिन बाकू इज़ रियली अमेजिंग मैन, इज़ रियली अमेजिंग। मैंने यहाँ पर गे कपल्स भी देखे हैं, गे कपल्स इन एन इस्लामिक कंट्री। एक बात और, शायद मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई होगी, तेहरान में भी एक गे क्लब है। यस, यू हर्ड मी राइट, तेहरान में भी एक गे क्लब है। ऑफिशियली गे क्लब नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पर कौन लोग जाते हैं। और एक बात और, मोस्टली जो आपको यहाँ पर टूरिस्ट मिलेंगे वो रशियन, अरब्स जो सऊदी के भी हो सकते हैं, यूएई के भी, पूरे अरब रीजन से मिलेंगे। क्योंकि आज मुझे जो फायर टेंपल पर दो तीन कपल मिले थे जो इजिप्ट से आए हुए थे, एक कपल मिला था मुझे जो ओमान से आया हुआ था, वो भी एकदम कूल थे यार। और पाकिस्तानी बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी। जो फ्लेम टावर्स मैंने दिन में दिखाए थे, अब उनमें से विजुअली आग निकल रही है। ये वाला जो पार्ट है, दिख रहा है ना आपको, ये वही फ्लेम टावर्स हैं। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे कैमरा अपग्रेड कर लेना चाहिए। पहले साउंड के साथ ही दिक्कत आती थी, लेकिन इस गोप्रो में ना तो स्टेबिलिटी है और ना अच्छी साउंड है, लेकिन जो इसका वाइड एंगल है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो सोनी कैनन वालों को वाइड एंगल कैमरा जिसमें अच्छी स्टेबलाइजेशन हो और अच्छा माइक हो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे कैमरा अपग्रेड करना है। इट्स 10 इन द नाइट एंड 10 बज गए हैं। बैटरी दोबारा चार्ज कर ली थी मैंने, अब मुझे यहाँ से बस या मेट्रो पकड़ के अपार्टमेंट तक पहुँचना है। 10 मिनट वहाँ वेट करने के बाद बस तो नहीं मिली, फिर किसी बंदे ने मुझे बता दिया था कि पास में मेट्रो पड़ती है। कितना शोर कर दिया यहाँ के मेट्रो, वन चिकन ब्रेड या टेक अवे, शुक्र है मिल तो गई खुले। सबसे कॉमन फास्ट फूड अज़रबैजान का, एक मन्नत से लेकर तीन मन्नत के बीच में प्राइस रेंज है इसकी, और
अच्छा है यार, और मेरे को इनका काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये ढंग से मेयोनीज डालते हैं और अच्छा चिकन और एकदम तमाम। आन्या यू कम हेयर 2 मिनट्स एवरीवन विल स्टॉप।